जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज एट एक्स वाई जेड में एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट हमारा है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा। जैसा कि पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ पीएलसी एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी, लेकिन आज के वीडियो हम जानेंगे लिमिटेशन ऑफ रिले कि रिले की क्या क्या सीमाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सिलेबस में क्या हेडिंग है, हमारी सिलेबस में हमारी हेडिंग है, जैसे मैं आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूं, ठीक है। आप सिलेबस को देखिए, ये हमारा सिलेबस है पीएलसी की, हमारी सिलेबस है। हमारे पास बुक पीएलसी की है, पीएलसी की हमारी बुक है एशियन पब्लिकेशन की, ठीक है। आप भी एशियन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, ये बुक अच्छी है, इसमें कंटेंट भी अच्छे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिलेबस को हम देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में क्या है, सिलेबस हमारा पीएलसी माइक्रोकंट्रोलर स्काडा, इसमें दिया है कि इसका डिटेल डालेंगे कि इसमें पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है। जैसा कि हमने इस पिछली वीडियो हमने जाना है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, ठीक है। और उसके बजाय हम एडवांटेज ऑफ पीएलसी, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी एंड फंक्शन बैरियर्स ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। और आज की वीडियो में जानेंगे लिमिटेशन ऑफ रिलेस, ठीक है। और इसके बाद जानेंगे, आज की वीडियो में जानेंगे लिमिटेशन ऑफ रिले अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आ सकती है और इसको एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है या मैकेनिकल स्विच डिवाइस होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो रिले हमारा होता है वह एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्विच या डिवाइस है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या है लिमिटेशन, रिले सर्किट द्वारा केवल कंट्रोलिंग का कार्य किया जा सकता है जबकि इसके द्वारा मॉनिटरिंग का कार्य संभव नहीं है। कहने का मतलब सीधी बातों बोले तो जो हमारा रिले होता है उसके द्वारा हम बस कंट्रोलिंग का कार्य कर सकते हैं और हम मॉनिटरिंग का कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए हम पीएलसी का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या हमारा इसका लिमिटेशन है, रिले में प्रोग्राम को लिखा नहीं जा सकता। कहने का मतलब जो रिले होते हैं हमारे उसपे हम प्रोग्राम को नहीं लिख सकते, ठीक है दोस्तों। जितने भी हमारे वो रिले लगे होते हैं, जो हमारे रिले होते हैं उनमें क्या करते हैं, प्रोग्राम जो हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रकार हम रिले में प्रोग्रामिंग को नहीं कर सकते, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, रिले केवल एनालॉग सिस्टम पर कार्य करता है। कहने का मतलब जो रिले हमारा होता है वो एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है, वो डिजिटल सिग्नल पर कार्य नहीं करता है। जबकि क्या होता है कि जो हमारा पीएलसी होता है वो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों प्रकार के सिग्नलों पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा हमारा क्या है, इसका लिमिटेशन है, रिले सर्किट में फॉल्ट डिटेक्शन आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अगर कोई रिले सर्किट है और किसी लाइन में लगी हुआ, किसी मशीन में लगी हुआ, किसी इंडस्ट्री में लगी हुई है, अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, ठीक है, किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को जो हमारा रिले होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं पीएलसी का उपयोग करते हैं। पीएलसी क्या होता है कि हमारे जो फॉल्ट होते हैं उसको डिटेक्ट करता है और उसमें जो हमारे काम होते हैं उसको ऑनलाइन स्क्रीन पर करता है, शो करता है, दर्शाता है, इसीलिए हम रिले के स्थान पर पीएलसी का उपयोग करते हैं। रिले सर्किट में मॉडिफिकेशन पीएलसी की तुलना में कठिन होता है। कहने मतलब जो रिले सर्किट में जो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन जो होता है पीएलसी की तुलना में कठिन होता है। कहने जो पीएलसी मॉडिफिकेशन करते हैं वो आसान होता है, लेकिन रिले सर्किट में क्या होता है वो मॉडिफिकेशन हमारा कठिन होता है, ठीक है। सातवां हमारा क्या है, रिले की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। कहने मतलब जो रिले होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वह कम होती है। आठवां हमारा क्या है कि रिले की जो कैपेसिटी कम होती है। कहने मतलब रिले की जो कैपेसिटी वो बहुत ही कम होती है पीएलसी की अपेक्षा, ठीक है। नवा क्या है कि रिले में मेमोरी नहीं होता। कहें रिले हम कोई भी हमारी मेमोरी एक्सटर्नल या इंटरनल मेमोरी नहीं होती, जैसे कि हमारे पीएलसी मेमोरी लगी होती है, लेकिन रिले में क्या होता है कि हमारी मेमोरी नहीं लगी होती है, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ी छोटी थी लेकिन आई होप कि आप वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और क्या है कि हमारे और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।